मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी की ऋतु संहार से संकलित कविता वसंत। सूर्य उत्तर मुख हुआ दक्षिण दिशा को छोड़, अरुण सारथी ने तभी ली अश्ववल का मोड़। दूर कर हिम प्रात का कर शीत का अवसान, दीप्त करे मलयागिरी रवि ने किया प्रस्थान। प्रथम फले सुमन फिरिए कोंपले सुकुमार, फिर विपिन में छा गया अली वृंद का गुंजार। प्रकट पंचम में पिकी का तब हुआ उल्लास, शनैह वन भू में किया ऋतुराज ने पदन्यास। भ्रमर दल अंजन रचित पत्रावली का जाल, तिलक सुमनों का लगाया तिलक अपने भाल। बाल रवि रक्तिम सुकोमल ले रसाल प्रवाल, माधवी श्री ने किए मानो अधर निजलाल। ऋतु चक्र में महादेवी वर्मा को वसंत और पावस ऋतुएं अधिक प्रिय हैं। साधना पथ पर बढ़ते साधक की आंखों में पावस की आर्द्रता आंसू बनकर घुलती और वसंत होठों पर मुस्कान बनकर उतरती है। कविता में महादेवी वर्मा ने सूर्य के उदित होने और उसका चारों ओर चक्कर लगाने से लेकर प्रकृति पर पड़ने वाले अनेक प्रभावों को दर्शाया है। जैसे जैसे सूर्य विभिन्न दिशाओं को प्रभावित करता तो वातावरण में भी उसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसी भाव की है ये कविता वसंत। हम सभी वसंत ऋतु के महत्व को जानते हैं, तो क्यों ना हम भी वसंत ऋतु पर कोई नई कविता का निर्माण करें।